गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ाव जारी है। स्थिति ये है कि घाट पर बना पुलिस बूथ डूब गया है। घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। वहीं घाट किनारे के मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। यदि बात की जाए घाट किनारे रहने वाले लोगों की, तो उनमें काफी भय का माहौल है। मैं आपको बता दें कि वाराणसी के आरती घाट पे खड़े हुए हैं, जो कि सावन का भी महीना चल रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण की त्यौहार कहा गया है, जो कि ये भी गिनती में आता है। मेला मतलब सावन का मेला भी गिनती में आता है। इस समय हम आरती घाट पे खड़े हैं, जहां पर बता सके आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि आज गंगा घाट का हर जगह से संपर्क टूटने पर जल जो लगातार यहाँ जमाव दिख रहा है, नाव ऊपर आ चुकी है, मतलब प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर पानी हर घंटे बढ़ते जा रहा है। और वहीं अगर बताएं आपको कि लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, नाव जो संचालक यहाँ पे हैं, यहाँ पे पानी को निकालना चाह रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय जहाँ खड़े हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे घाट के ऊपर खड़े हैं, जहाँ पर कि यहाँ से नीचे जाकर हर बार बाबा के भक्त सावन पे कांवरियों की जो ताता लगा रहता था, इस बार भी है। मगर आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि माँ गंगा का संपर्क टूटने से पानी का जल जो जमाव जो बाढ़ पीड़ित हो, हर जगह का पानी काशी में आ चुका है और कई मंदिर भी डूब चुकी है। इस समय आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी हमारे दिखाएं आपको कि जल विभाग की टीम पुलिस यहाँ पे लगी हुई है। और जो बाहर से आते हैं बाबा के भक्त, जो सावन का महीना चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस उनको यहाँ पर समझा रही है और बता रही है कि जो माँ गंगा का जो बाढ़ का पानी ऊपर आ चुका है, उसके लेकर कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए तो जनता को कोऑपरेट करने के लिए पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहब्बत से प्यार से समझा रही है कि आप अंदर ना जाए, क्योंकि पानी काफ़ी अगर कहा जाए तो माँ गंगा के खतरे के ऊपर पानी आ चुका है। जहाँ पर पुलिस बुद्ध बना हुआ है, पुलिस बुद्ध भी आधा डूब चुका है, कई मंदिर भी डूब चुकी है, मतलब कि जहाँ जहाँ का पानी, मतलब बताए तो प्रयागराज का पानी चाहे कहीं का पानी, मतलब माँ गंगा में पानी की बढ़ोतरी हर घंटे 6 सेंटीमीटर लगातार जारी है। और प्रशासन जनता को समझाने में लगी है और जनता कोऑपरेट करने को तैयार भी है। कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ केटीवी न्यूज के लिए जुनेद वाराणसी से। वहीं गंगा में हो रहे तेजी से बढ़ाव को देखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त विकास चंद त्रिपाठी व एडीएम सिटी गुलाब चंद ने निरीक्षण किया। आला अधिकारियों ने गंगा घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आगे की रणनीति तय की। अधिकारियों ने घाटों से लेकर सड़कों तक का निरीक्षण किया। देखिए, आज वाराणसी में श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और जो स्थानीय दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आवागमन हो रहा है। यहाँ पे बाहर के जो कांवड़ है, कांवड़ यात्रा पे आप जानते हैं रोक लगी हुई है। हमारी टीमें लगातार घूम करके लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत ही स्मूथली और शांतिपूर्वक पूरा दर्शन और सारा कार्यक्रम चल रहा है। सर, एक सवाल देखा जाए, मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है, इसके बावजूद दुदुलिया से लेकर दरासिया तक गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों? अभी हम लगातार अभी पहले जागरूक कर रहे हैं, अभी पार्किंग नहीं बनी है, उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो यहाँ के व्यापारीगण हैं उनसे भी बातचीत किया जा रहा है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक करा ली जाएंगी। सर, पानी बढ़ रहा है, उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाए? पानी बढ़ा हुआ है, घाटों पर सुरक्षा के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें लगातार घूम करके, जो हमारे जल पुलिस की टीम है, PAC की हमारी फ्लड प्लाटून यहाँ पे लगी हुई है, लोगों को जागरूक कर रही है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। सर, आज किस तरह का निरीक्षण किया गया? सर, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो उसके जो यहाँ श्रद्धालु बनाते हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो हमारे पुलिस फोर्स लगी हुई है, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनको कोई सुविधा ना हो, इसी संबंध में सारे चीज़ों में विचार किया गया। सर, लगातार पानी भी बढ़ा हुआ, इसके आप लोग क्या अपील करेंगे? इसके लिए हमारी जो बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, हमारी टीमें बनी हुई हैं, वो उनसे निगाह रखी हुई हैं कि जो है जल स्तर किस स्तर तक बढ़ रहा है और जैसे ही जैसे वो और वृद्धि होगी, जो हमारी ड्रिल है लोगों को जागरूक करते हुए उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। वहीं लंका थाना क्षेत्र के मारुति नगर में गंगा का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोग अपने अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गंगा अपनी चेतावनी बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ गई है, जिसके बाद गंगा के सटे क्षेत्रों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा का पानी बढ़ने से हम बेबस और मजबूर हो जाते हैं, बिजली कट जाती है, पानी तक नहीं आता है, जिसके कारण हमें घर को छोड़कर जाना पड़ता है।
अशोक जी कहाँ रहते हैं आप? मारुति नगर। क्या स्थिति है गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए मारुति नगर की, क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि जो है शाम शाम तक पानी पूरा भर जाएगा। और घरों में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। कितना तेजी से गंगा बढ़ रही है? और बहुत तेज बढ़ रहे हैं, बहुत तेज। कितने घर होंगे मारुति नगर में? यहाँ पे होंगे 500 घर। कहाँ जाएंगे आप लोग? घर जाएंगे, गांव चले जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था, जिला प्रशासन, अधिकारी, कोई नहीं आया, विधायक कोई नहीं आया? आप लोग से मिलने कोई नहीं आया? क्या चाहेंगे सरकार से? क्या चाहेंगे सरकार से? यही चाहेंगे कि थोड़ा व्यवस्था सही करें, और क्या, पानी की व्यवस्था हो, इसलिए पानी मिल गया बहुत। सागर जी कहाँ रहते हैं? मातिया कॉलोनी में। क्या व्यवस्था है, बाढ़ की स्थिति कैसी है? ऐसा है कि पानी तो बहुत तेज बढ़ रही है, 3-4 फुट दिन में आज बढ़ा है। हम लोग घर में पानी घुस गया है। क्या लगता है कितनी जल्दी बाढ़ आ जाएगी यहाँ? अब लग रहा है कि बाढ़ आ ही गया है। पानी आने के बाद क्या व्यवस्थाएं रहती है, कैसे रहते हैं आप लोग? अभी तक व्यवस्था कोई नहीं आया है। विधायक जी आए थे, हालचाल हुआ है, बोले हैं कि राहत सामग्री बंटवाएंगे, उन्हीं का इंतजार है। यहाँ पे घर में रहते हैं, घर में पानी हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वही देखेंगे, नहीं तो फिर निकलेंगे गाँव, क्या किया जाएगा पानी में, बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ पर।